खबर बिहार के मोतिहारी की है, जहां कोर्ट परिसर में स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रसाद का मूर्ति की स्थापना की गई। अनिरुद्ध प्रसाद का पिछले कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले साल मोतिहारी के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रसाद सिंह की कोरोना से मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुखद है। आज उनकी मूर्ति की स्थापना मोतिहारी कोर्ट परिसर में की गई। मूर्ति का अनावरण अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शेष नारायण कुमार और जाने माने चर्चित अधिवक्ता पप्पू द्विवेदी और कन्हैया कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वहीं माल्यार्पण के समय सभी अधिवक्ता भावुक हो गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि हम सब ने अपने बीच से एक हीरा खो दिया। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह चंपारण के ही लोकरिया के रहने वाले थे। वहीं अधिवक्ता पप्पू द्विवेदी का कहना है कि हमारे गुरु भी थे अनिरुद्ध प्रसाद सिंह। आज हम जो कुछ हैं उन्हीं के मार्गदर्शन की बदौलत है। व्यक्तित्व के धनी थे और गरीबों के मसीहा भी। सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहती थी और मोतिहारी अधिवक्ता संघ के सचिव और अध्यक्ष भी रह चुके थे। वहीं माल्यार्पण के दौरान उनकी धर्मपत्नी बेटी अभिलाषा निसी शर्मेली छोटे ओम प्रकाश सिंह अधिवक्ता कन्हैया कुमार सिंह चंद्रशेखर आजाद प्रेम रंजन पांडे आदि सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। मोतिहारी से जनमत की पुकार न्यूज के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। श्री अनुरुद्ध प्रसाद सिंह एडवोकेट बार प्रसिद्ध है, जो आज दुनिया में नहीं है। मैं अपने परिवार के तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी की जो आत्मा थी वो शरीर में निवास करते हैं और हम लोगों ने उसके उसमें आगे कायम कर रखते हुए उनका एक स्मारक यहाँ बनवा के ये हम लोग कोर्ट को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा श्रद्धांजलि हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है उनके प्रति। और आज हम लोग जो भी हैं उनकी वजह से है, उनकी बदौलत है। पूरे कचहरी का अधिवक्ता जो है आज भावुक हो गए। क्या मान सही है, यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं वो उनकी ही देन है। यहाँ 60% लोग उनके ही खड़े किए गए हैं और उनकी वजह से ही है। और उन्होंने एक ऐसा लकीर खींचा जो शायद कोई नहीं मिटा सकता है या उसको पार नहीं कर सकता है। एक लक्ष्मण रेखा को बनाकर यहाँ से गए हैं, अपने अपने मतलब प्रतिभा से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से और अपने ज्ञान से बहुत लोगों को उन्होंने यहाँ मतलब जीने के लायक, परिवार चलाने के लायक बना दिया। और हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि उन अधिवक्ताओं को उनके तरफ से ये दिया है। के बारे में कुछ बताया जी, आज श्री अनुरुद्ध प्रसाद सिंह जो वर्तमान में पिछले 2020 में कोरोना के समय कोरोना से ही प्रभावित होकर के उनका समय निधन हो गया, जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, हमारे बार के जिला विधिक संघ के मुद्रण हस्ताक्षरों में से सबसे मजबूत लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हस्ताक्षर थे। उनकी दुखद मृत्यु के बाद हमारे जिला विधिक संघ के वर्तमान हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शेष नारायण कुंवर जी और हमारे मित्र कन्हैया कुमार सिंह जी वर्तमान में महासचिव हैं, इन लोगों की अगुवाई में उनके नाम से उनके परिवार वालों के मैं एक बात यहां स्पष्ट कर लेना चाहता हूं कि श्री अनुरुद्ध प्रसाद सिंह जी न सिर्फ मेरे बल्कि वर्तमान जो महासचिव हैं उनके भी गुरुदेव थे, मेरे मामा भी थे। आज उनके निधन के बाद जब उनके परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, तुम लोगों ने आर्थिक सहायता जो एक सिरसिया मंथ होता है जिला परिषद से लेने से उन्होंने मना किया और उन लोगों ने अपने फंड से उनके नाम पर एक चिरस्मरणीय इस बैठक और बैठक अधिवक्ताओं के बैठने का जो स्थान हमेशा अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते रहे, इस बैठने के स्थान के लिए उन्होंने आग्रह किया, जिस आग्रह को हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अध्यक्ष महोदय को कि तमाम विसंगतियों सारी चीजों होने के बावजूद उन्होंने महासचिव महोदय और उन्होंने मिलकर करके स्वीकार किया और अनुमति दिया, जिसके बाद आज जो आप देख रहे हैं यह आलिशान इतना लंबा चौड़ा जो सभागार बना हुआ है, अधिवक्ताओं को बैठने का एक अलग से स्थान मुहैया कराया गया है। और इस उसका जो है उसका आज ही जो है उसका शुभारंभ हुआ है यहाँ पे। मेरी उनकी माँ उनकी पूजनीय और हमारी पूजनीय मामी जी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्रियां, उनके नाती, उनके नतिनी सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे उनको माल्यार्पण किए हैं। और आप देख रहे हैं उत्तरी लोग का हुजूम, ये हुजूम स्वतः स्फूर्त है, जितना वो लोग प्रिय थे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कभी काम नहीं आए। और लगभग 40% उनके जूनियर आज के डेट में है, सीनियर्स और जूनियर्स हुए हैं, हम सब जूनियर, मैं भी उनका जूनियर रहा हूं। मैं वर्तमान में बिहार विश्व बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मैं भी उनका जूनियर हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं।
हमारे महासचिव भी रहते हैं और जितने भी यहाँ लोग हैं वो सब तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने अध्यक्ष महोदय का, अपने महासचिव महोदय का, इस कार्यकारिणी का जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करके अनुमति दिया और यहाँ पे एक भव्य मन करके आज तैयार हुआ है। मैं अपने मामा श्री को, अपने पूजनीय गुरुदेव को आज आप सबके बीच में उनका जहां पुण्य आत्मा वास करता है उनको नमन और प्रणाम करता हूं, सत सब नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अभी वो उनकी तबीयत खराब हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन कोरोना के चलते उनका डेथ हो गया, उनसे मजबूत कोई हुआ नहीं है। और हम बाकी सब बातें हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, महासचिव महोदय जी हैं, वो लोग भी उद्गार अपना देंगे। मैं कन्हैया कुमार सिंह वर्तमान महासचिव जिला बिहारी, हमारे गुरु हमारे पिता तुल्य थे और वे अद्वितीय थे हैं और रहेंगे। इनका बराबरी न कोई किया न कर रहा है और न करेगा, इनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।